इस आवाज की अहमियत का अंदाजा चंद सेकंड के गानों में लगाना मुश्किल है, लेकिन बस इतना समझिए, जिस फीमेल सिंगर को अभी आपने सुना, उनकी बराबरी आज तक कोई नहीं कर सका। ना लता मंगेशकर, ना आशा भोसले, ना ही अनुराधा पौडवाल या अलका याग्निक। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित इकलौती सिंगर, सर्वश्रेष्ठ गायिका का सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पुरस्कार पाने का गौरव इस गायिका के नाम है। ब्रिटिश संसद में सम्मानित होने वाली वो पहली भारतीय गायिका हैं। इस सिंगर ने एक ऐसा गाना गाया जिसके बारे में कहा जाता है कि मरने से पहले अगर आपने इस गीत को नहीं सुना तो समझिए जिंदगी जाया हो गई। सुरों के सागर में इस मेलोडी क्वीन की आवाज हैरान करने वाले अंदाज में अटखेलियां करती हैं। उनकी आवाज भारतीय संगीत के सिर पर सजे मुकुट में सबसे चमकदार मोर पंख सी है, जिसे आज दुनिया के एस चित्रा के नाम से जानती है। नमस्कार, आभार और प्रणाम। आप देख रहे हैं बिहाइंड द कैमरा विद आरजी कंगना। बहुत बहुत अच्छा गाती है, बहुत। मैंने यहाँ पर पहले से जो गाने सुने हैं, चित्रा जी जो है वो हमारी फेवरेट सिंगर है, फ्रॉम केरला, फ्रॉम साउथ, बहुत भाषाओं में गाती है। लेकिन नेवर एवर सिंग लाइक से फॉर एग्जांपल चित्रा। हमारे हिंदुस्तान में, भारत में जितने भी टॉप के सिंगर्स हैं, चित्रा जी वन ऑफ द बेस्ट फीमेल सिंगर है। के एस चित्रा की आवाज बारिश के बाद हरी भरी वादियों से गुजरते झरने का एहसास है। बताएंगे कि क्यों कहा जाता है कि सुनने के बाद उनकी आवाज कोई भूल नहीं सकता है, और एक बार सुन लिया तो आपको उनका गाना पूरा याद हो जाएगा। साथ ही जानेंगे इस सिंगर का वो दर्द जिसे सीने में दबाए वो पिछले 12 सालों से जी रही है। कहते हैं इश्क और मुश्क यानी प्रेम और गंध छुपाए नहीं छुपते, उसी तरह प्रतिभाएं भी छिपी नहीं रह पाती। सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे हो जादू। भले ही वक्त लगे, सुरमई जुबान का जादू भूगोल के फासले भी मिटा देता है, कुछ ऐसे ही जैसे केरल के तिरुवनंतपुरम की एक साधारण सी लड़की ने मिटा दिया था। अस्सी के दशक में दक्षिण के दायरे में बहती एक सुरीली नदी जब 90 के दशक में उत्तर भारत में आ मिली तो संगीत के दीवाने मानो धन्य हो गए। ९५ में मणि रत्नम की फिल्म आई थी बॉम्बे, उसमें एक गाना था कहना ही क्या, म्यूजिक दिया एआर रहमान ने और जीवंत किया के एस चित्रा की आवाज ने। कुछ चीजों के लिए अंग्रेजी में कहते हैं ना, थिंग्स टू डू बिफोर यू डाई, यानी मरने से पहले ये काम जरूर कर लें वरना जिंदगी अफसोसनाक रह जाएगी, ऐसा ही इस गाने के लिए कहा गया था। ये कहने वाली थी ब्रिटिश मीडिया पब्लिकेशन दी गार्डियन। पब्लिकेशन ने 1000 गानों की लिस्ट बनाई जिसे आपको सुनना ही चाहिए। उस लिस्ट में कहना ही क्या को भी शुमार किया गया। अपनी बेहद मीठी आवाज के कारण केरल की बुलबुल कही जाने वाली के एस चित्रा को उत्तर भारत में कम लोग जानते हैं, लेकिन उनके गाने खूब पसंद करते हैं। इस पेशकश में चित्रा के बारे में तमाम ऐसी जानकारी मैं आपको दूंगी जिसे जानकर आप हैरान होंगे। उनके प्रति आदर और सम्मान से दिल भर जाएगा, साथ ही उनके व्यक्तित्व की कहानी से आप जानेंगे कि तरक्की की बुलंदी और नामदार होते हुए भी जिंदगी को बेहद सादगी और जड़ों से जुड़े रखने का हुनर क्या होता है। वो दुनिया भर में शो करती हैं, साथ ही चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, भुवनेश्वर जैसे तमाम शहरों में रिकॉर्डिंग के लिए जाती रहती हैं। खुद के लिए समय बहुत कम मिलता है, फिर भी लंदन से लौटी हो या अमेरिका से, घर लौटते ही हाथों में झाड़ू होती है। घंटों सफाई और घर के सामानों को सलीके से रखने सहेजने में खुद लग जाती हैं। वो बेहद कामयाब सिंगर के साथ बहुत अच्छी गृहिणी के तौर पर भी जानी जाती हैं।
चित्रा दावा करती हैं कि वो कितना भी व्यस्त हों, दुनिया के किसी कोने में बैठी हों, लेकिन अगर कोई फोन करके पूछे तो अपने घर की अलमारी में तह करके रखी हुई साड़ियों में कौन किस नंबर पर रखी हुई है वो पक्के यकीन के साथ बता देंगी। चित्रा के अब तक की जिंदगी एक सबक देती है कि कैसे हंसमुख चेहरे और मुखड़े पर तैरती मुस्कान को कामयाबी का मंत्र बनाया जा सकता है। जिनसे हम सीखते हैं, जिसे हम गुरु मानते हैं, जिनके सबक और सीख आपको सफलता के शिखर पर ले जाते हैं, किस मंत्र से आप उस गुरु के लिए गर्व और गौरव का विषय बन जाते हैं, चित्रा की जिंदगी उसी सीक्रेट का ऐलान करती है। साथ ही बताऊंगी के एस चित्रा से जुड़ी तमाम रोचक बातें और जानेंगे म्यूजिक की दुनिया के लिए उनके किए गए लार्जर देन लाइफ कंट्रीब्यूशन की। इन सारी बातों पर विस्तार से जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं उनके बचपन की कहानी से। कृष्ण नायर शांत कुमारी चित्रा, यही पूरा नाम है उनका। जन्म हुआ 27 जुलाई 1963 में। जगह थी केरल का तिरुवनंतपुरम, जो उस समय त्रिवेंद्रम के नाम से जाना जाता था। चित्रा के पेरेंट्स टीचर थे, पूरी फैमिली का संगीत से वास्ता था। इनके पिता कृष्णन नायर ही इनके पहले गुरु बने। चित्रा ने कर्नाटक म्यूजिक में ट्रेनिंग शुरू की, जो तमिल, तेलुगु, संस्कृत और साउथ की अन्य भाषाओं से मिलकर बना है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में कर्नाटक म्यूजिक बहुत पॉपुलर है। 1979 में चित्रा ने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया। फिल्म थी अत्तहसम। ये बात अलग है कि फिल्म 1983 में रिलीज हुई, इसलिए उनका पहला गाना बना फिल्म नान एक नानू से। यहाँ उन्होंने केजे येसुदास के साथ गाने रिकॉर्ड किए। चित्रा के बारे में एक बात और खास है, इनकी आवाज सुनकर कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ये आवाज पहले कभी सुनी है। अपने आप में एकदम ओरिजिनल और अतुलनीय आवाज, सुनिए तो मन खो जाता है। एक एक शब्द और लाइन दिल और आत्मा में उतर जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि इनका गाना सुनने पर याद हो जाता है। चित्रा को वनम्बड़ी ऐसे ही नहीं कहते। वनम्बड़ी यानी केरल की बुलबुल। मलयालम भाषा में शुरुआत करने के बावजूद चित्रा ने किसी एक भाषा या इंडस्ट्री में खुद को नहीं बांधा। रुख किया तमिल म्यूजिक इंडस्ट्री का। यहाँ उन्होंने तमिल म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गज इलैयाराजा के साथ डेब्यू किया। फिल्म थी 1985 में आई नीतन अंत कोयल और गाना था पुजाई केता पुवितु। इलैयाराजा उनके काम के प्रति डेडिकेशन से बेहद इम्प्रेस हुए। 1986 में आई सिंधु भैरवी में गाए गाने के लिए उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड भी मिला। इसके बाद तो जैसे चित्रा ने तमिल गानों की झड़ी लगा दी। इलैयाराजा, एआर रहमान, विद्यासागर, देवा जैसे कंपोजर्स के साथ मिलकर यादगार गाने दिए। चित्रा वो सिंगर हैं जिन्होंने एआर रहमान के कंपोज किए तमिल गानों को सबसे ज्यादा बार अपनी आवाज दी। 80 के दशक में ही चित्रा ने तेलुगु में भी अपना डेब्यू किया। तमिल फिल्म सिंधु भैरवी को तेलुगु में डब किया गया, जिसके गाने पदलेनु पलवाइना के लिए उन्होंने अपनी आवाज दी। हालांकि उनकी पहली तेलुगु फिल्म 1988 में आई आखिरी पोर्तम थी, जिसका म्यूजिक इलैयाराजा ने कंपोज किया था। चित्रा के साथ एसपी बालासुब्रमण्यम ने इस फिल्म के गाने गाए। एसपी बालासुब्रमण्यम और चित्रा का साथ सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। चित्रा ने अपना कन्नड़ डेब्यू 1986 में आई फिल्म प्रीति से एसपी बाला के साथ ही किया। इसके बाद तो चित्रा और एसपी बाला की जोड़ी ने कन्नड़, मलयालम, तमिल समेत अन्य दक्षिण भारतीय भाषाओं में तमाम गाने गाए। दोनों के बीच गुरु शिष्या का एक ऐसा रिश्ता था जो मिसाल के तौर पर देखा जाता है। इसके बाद चित्रा को मौका मिला बप्पी दा के साथ काम करने का। गाना था शीला ओ माय शीला। साथ ही सिंगर केजे येसुदास थे। चित्रा के कन्नड़ उच्चारण में काफी सफाई थी। यही बात फैंस से लेकर म्यूजिक डायरेक्टर्स तक को भा गई। उसी का नतीजा रहा कि वो अब तक 2000 से ज्यादा कन्नड़ गानों को अपनी आवाज दे चुकी हैं।
के एस चित्रा की सुर सरिता बहते हुए उत्तर भारत में प्रवेश कर चुकी थी। जाहिर है इस नदी में हिंदी की अनमोल गीतांजलि का संगम होना ही था। चित्रा ने 1991 में सलमान खान और रेवती की फिल्म लव से हिंदी सिनेमा में अपने गायकी का पहला जादू दिखाया। ये फिल्म तेलुगु की प्रेमा की रीमेक थी। इसका गाना साथिया तूने क्या किया की लोकप्रियता एक तरह से मुनादी थी कि हिंदी सिनेमा में भी चित्रा की आवाज दूर और देर तक कायम रहने वाली है। लव के लिए गाए इस गाने ने चित्रा को हिंदी हार्टलैंड में एस्टैब्लिश कर दिया। इसके बाद भी अगर नॉर्थ में कहीं चित्रा का नाम नहीं पहुंचा हो तो पहुंचाने की जिम्मेदारी ली A.R. रहमान ने। रहमान ने 1995 में आई मणि रत्नम की फिल्म बॉम्बे के लिए म्यूजिक का जिम्मा लिया था। कहना ही क्या, इसी फिल्म का गाना था। इसका क्या इम्पैक्ट रहा इसकी बात शुरू में हो चुकी है। '95 में आई फिल्म रोजा में रहमान के ही साथ मिलकर चित्रा ने एक और खूबसूरत सा गीत दिया, ये हसी वादियाँ ये खुला आसमां। आ गए हम 1997 में प्रियदर्शन की फिल्म आई थी विरासत। फिल्म में गाए एक गाने के लिए चित्रा को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। गाना था पायली चुनमुन चुनमुन। इस गाने के लिए उन्हें साउथ में भी नेशनल अवार्ड मिला और नॉर्थ में भी। इसी के साथ चित्रा ऐसा कीर्तिमान स्थापित करने वाली साउथ से आई पहली सिंगर बन गई। नब्बे के दशक में तमाम बेहतरीन गानों को के एस चित्रा ने अपनी आवाज दी। उस दौर की कई मशहूर फिल्मों में के एस चित्रा और एस पी बाला सुब्रमण्यम की जोड़ी ने तमाम यादगार गाने गाए। उन्होंने लव, प्यार तूने क्या किया, विरासत, अक्स, अशोका और रंगीला जैसी तमाम हिंदी फिल्मों में 200 से अधिक गानों को अपनी दिलकश आवाज दी। के एस चित्रा के इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को दिए योगदान को मैच करना लगभग असंभव है। उन्होंने सलील चौधरी, अनु मलिक, नदीम श्रवण और ए आर रहमान जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया। इसके अलावा दक्षिण भारत के तमाम जाने माने संगीतकारों की तो चित्रा सबसे पसंदीदा आवाज रही है। जैसे केरल में चित्रा को वनम्बड़ी कहा जाता है, ठीक वैसे ही हिंदी भाषी जनता के पास भी चित्रा के लिए एक टाइटल है, पिया बसंती चित्रा। कारण है 2000 में रिलीज हुआ उनका एल्बम पिया बसंती। चित्रा और सुल्तान खान के इस सुमधुर एल्बम ने तहलका मचा दिया था। इसने कई अवार्ड्स अपने नाम किए। इसका टाइटल सॉन्ग पिया बसंती तो इतना सम्मोहक है कि खींच कर किसी और ही दुनिया में ले जाता है, जहाँ से वापस आने का जीना करे। चित्रा का ऐसा ही एक और एल्बम है सनसेट पॉइंट। गुलजार साहब के लिखे 7 गानों से सजा ये एल्बम बेहद खास है, जिसे आवाज दी चित्रा और भूपिंदर ने। उसी का एक गाना कच्चे रंग एक अलग ही सुकून और एहसास देता है, जरा आप भी सुनिए। कच्चे रंग उतर जाने दो। चित्रा हमेशा कहती हैं कि उनके सीनियर्स ने उन्हें बहुत सिखाया है। KJ येसुदास ने उन्हें नोटेशन लिखने का महत्व सिखाया, जबकि SP बालासुब्रमण्यम को तो वो अपना सबसे बड़ा गुरु मानती हैं। सिंगिंग की बारीक से बारीक बातें इन्हें SP ने ही सिखाई। मोहनम राग की गायकी हो या फिर गीतों का मूड समझने की कला, ये सब चित्रा ने सुब्रमण्यम से ही सीखा। चित्रा के बारे में एक बात बहुत कही जाती है कि उन्होंने जीवन में किसी की भी कभी कॉपी नहीं की, जिस वजह से उनकी आवाज सबसे अलग है। अब तक 6 नेशनल अवार्ड प्राप्त करने वाली वो इकलौती फीमेल सिंगर हैं, जिसकी आज तक कोई बराबरी नहीं कर सका। गायिका के तौर पर राष्ट्रपति पुरस्कार पाने वाली वो पहली भारतीय महिला है। भारतीय संगीत में बहुमूल्य योगदान के लिए 2005 में उन्हें पद्मश्री और 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये सम्मान चित्रा के लिए एक संयोग भी था और बेहद खास भी। दरअसल गुरु शिष्या यानी चित्रा और SP बालासुब्रमण्यम को भी मरणोपरांत पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। शायद ये पहला मौका था जब गुरु शिष्या को एक ही मंच से ये अवार्ड दिया गया।
पर अफसोस कि एसपी बाला ये अवार्ड लेने के लिए खुद मौजूद नहीं थे। करीब एक साल पहले वो ये दुनिया छोड़कर जा चुके थे। उनकी सुरीली आवाज से मंत्रमुग्ध होकर उन्हें यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित भी किया गया था। आपको जानकर खुशी होगी, इस तरह सम्मानित होने वाली चित्रा जी पहली भारतीय महिला हैं। 40 साल से ज्यादा के करियर में अलग अलग राज्यों द्वारा चित्रा को कुल 36 फिल्म अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिसमें केरल सरकार के 16 अवार्ड्स शामिल हैं। मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ के अलावा वो असमी, पंजाबी, बंगाली और उड़िया जैसी कई भाषाओं में लगभग 25,000 से ज्यादा गाने गा चुकी हैं। अब बात चित्रा के व्यक्तित्व और निजी जिंदगी की, जो बहुत जानने समझने लायक है। उनकी एक आदत है, वो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हैं, भले ही वो गाना गा रही हों या फिर दोस्तों से बात कर रही हों। वो खुद कहती हैं कि बचपन से मेरी मुस्कान ही मेरी पहचान रही है। कई मौकों पर वो कहती हैं कि मुस्कान ही उनकी ताकत है जो उन्हें आगे लेकर आई है, क्योंकि हंसता खिलखिलाता चेहरा लोगों में उमंग भरता है और चीजें खूबसूरत बनाता है। अब बात के एस चित्रा की निजी जिंदगी से मिले उस दर्द की, जिसे सुनाने को जी नहीं चाहता, लेकिन इसके बिना शायद कहानी पूरी भी नहीं होती। चित्रा की शादी पेशे से इंजीनियर और व्यवसायी विजय शंकर से हुई है। शादी के कुछ सालों के बाद उनकी एक बेटी नंदना हुई, जो डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हुई थी। उनकी इस बेटी की 2011 में दुबई के एक पूल में डूबने से मौत हो गई। चित्रा एआर रहमान के साथ एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने के लिए यहाँ आई थी। इस दुख और सदमे से चित्रा अब तक नहीं उबर पाई है। खैर, के एस चित्रा का सुरीला सफर आज भी जारी है। 1980 में जब उनका करियर शुरू हुआ था, तब शायद उन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी कि उनकी आवाज तमाम सरहदें लांघ कर दुनिया भर में छा जाएगी। जाने कितने सम्मान इस खनखनाती आवाज के साथ जुड़ चुके हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इस फनकार को लंबी उम्र दें और उनकी गायकी दुनिया जहान में गूंजती रहे। के एस चित्रा से जुड़ी कोई जानकारी अगर छूट गई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।